चुके हैं एम्स में, एम्स के कैंपस में हमारे पीछे देख रहे हैं एम्स येगा, तो वही एटलीस्ट पटना जंक्शन से यहाँ आने में एक घंटा लग जाएगा। एक बात करते हैं सफाई के ऊपर, तो आप जो देख रहे हैं ना कैंपस में, तो हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं मेंटल ब्लॉगर यूट्यूब चैनल, मैं आपका दोस्त इस चैनल का दोस्त नहीं। तो चलिए इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। काफी समय बाद लाइफ स्टाइल ब्लॉग लिख रहे हैं, हमें भी नहीं पता है भाई कितना समय हो गया। सोनपुर के पास आई गेस कभी नहीं वो लाइफ स्टाइल के, तो चलिए आज करते हैं लाइफ स्टाइल ब्लॉग। ब्लॉग बनाते हैं एम्स हॉस्पिटल की, मतलब एम्स में जाना भी था, सोचे जाना है तो क्यों ना एक ब्लॉग भी बना लेते अपने भाई के लिए। एम्स कभी दिखाया नहीं है, ठीक है तो चलते हैं एम्स का ब्लॉग बनाते हैं, प्रॉपर जानकारी के साथ ही बनाएंगे। अगर आप हमारे वीडियो देखिएगा तो पता ही है कि आपको नॉलेज मिलेगा, किराया वाला ऑटो हम सब बताते हैं भाई, ठीक है तो वीडियो देखिएगा लास्ट तक तो ही ना समझ पाइएगा। तो आपका समय विदाउट आपका समय लिए यहाँ से चलते हैं बाहर, चलकर कैसे जाना है क्या जाना है, और हम भी कुछ नहीं जानते हैं, मतलब कैसे जाना है क्या जाना है कुछ कुछ कर जाएंगे, तो इसीलिए हमारे लिए भी नहीं है आप तो जो भाई गए हैं तो उनके लिए तो नहीं, पर जो नहीं गए उनके लिए भी नहीं हुई है। तो चलिए आप देखते रहिए, आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा समझ जाइएगा कि आप बिहार में कहीं से भी आ रहे हो और एम्स हॉस्पिटल जाना हो तो कहाँ से ऑटो मिलेगा और किराया क्या होगा, कैसे डिटेल्स होगी, मतलब हर एक डिटेल्स के साथ ये वीडियो बनाऊंगा, प्रॉपर डिटेल्स मिलेगी। और ये डिटेल्स कैसे मिलेगी अगर आप लोग वीडियो विदाउट स्किप किए हुए देखिएगा, ठीक है। फाइनली अब आपसे मिलते हैं बाहर चल के, आ चुके हैं पटना जंक्शन और यहाँ से चलते हैं एम्स के लिए। देखिए पटना जंक्शन से ना अभी आपको एम्स जाना होगा, इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं अमूमन आपको हमारे ब्लॉग में इन्फॉर्मेशन मिलता ही है। तो अगर आप आते हैं पटना जंक्शन तो वहाँ से आप आ जाइएगा जीपीओ गोलम्बर, जैसे अभी आप हमारे ऊपर देख रहे हैं ये है जीपीओ गोलम्बर, ठीक है। और यहाँ से मिलन और आपको यहाँ से जाना होगा फुलवारी शरीफ और फुलवारी शरीफ से जाना होगा एम्स। तो हम चलते हैं और कैसे जाते हैं क्या जाते हैं किराया भी बता देंगे भाई, ठीक है, क्योंकि अगर कोई नया में आएगा ना तो हो सकता है एम्स में कोई आए विलन को भी नहीं पता था भाई। विलन भी है, विलन आए करो मैं पब्लिक को, विलन को बहुत समय बाद आए तो विलन को भी खैर नहीं पता था कि एम्स है पटना में, तो जा रहे हैं एम्स, वहाँ पे विलन को छोड़ना है भैया और भी सारा ब्लॉग शूट करना है जो कल या परसों में आ जाएगा। तो अभी मेनली इस पर कवर कर दे रहा है इस ब्लॉग में, ठीक है। तो ऑटो में बैठ गया फिलहाल, आपको बता दे आ चुके देखिए ऑटो मिल गया जीपीओ गोलम्बर से, बोले थे ना आपको, देखिए हमारे ऊपर देख रहे हैं जीपीओ गोलम्बर, यहाँ से जाएंगे एम्स, ठीक है। और यहाँ से किराया है एम्स का 30 रुपया, ठीक है, आपको फुलवारी शरीफ उतरने की कोई जरूरत नहीं है, हम बोले थे ना। तो देखिए यही सब इन्फॉर्मेशन मिलेगा और भी सारा इन्फॉर्मेशन देंगे ब्लॉग में। तो यहाँ से आप आ जाइएगा, आप आइएगा पटना जंक्शन और पटना जंक्शन से डायरेक्ट जीपीओ गोलम्बर से एम्स के लिए ऑटो मिल जाएगा जो आपका किराया है 30 रुपया, ठीक है। यहाँ से चलते एम्स, एम्स चल को अभी दिखाते हैं, बीच में कुछ आपको सिनेमैटिक शॉट्स भी दिखाएंगे, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। अमूमन एक अलग टाइप का ब्लॉग बना रहे हैं हॉस्पिटल पे ब्लॉग, जैसे पालिका विनायक का ब्लॉग बनाए उसका क्या बोलते हैं मेडाज हॉस्पिटल का ब्लॉग बनाए, तो दोनों हॉस्पिटल के बाद आप चलते हैं एम्स को, एम्स को प्रमोट करते हैं, दिखाते हैं आपको एम्स में कैसे आ सकते हैं जा सकते हैं। पाटलिपुत्र हमारे पीछे होटल पाटलिपुत्र, आप ये देख रहे हैं पीछे स्क्रीन पर होटल होटल पाटलिपुत्र है, ये अलीशाबाद इसके है, इसके बाद है फुलवारी के, उसके बाद है एम्स, चिल्ला रहे हैं फुलवारी, तो ये अनिशाबाद है, ठीक है गाइस। और जा रहे हैं अब देखते हैं वही लगभग 15 मिनट में आएंगे, अब देखते हैं एम्स में जाने में कितना टाइम, यहाँ पर डोमिनोज भी है देख लीजिए अनिशाबाद में, ठीक है, ये भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो पिज्जा खाता होगा वो समझता होगा। मोबाइल मनिया का जो हम ब्लॉग बनाए थे यही जब बनाए थे, यही से अंदर गए थे जो मोबाइल मनिया का ब्लॉग बना था, बहुत जल्द आ रहा है मोबाइल मनिया से, भैया कब बुला रहे हैं जल्द से जल्द बुलाइए फिर से एक ब्लॉग बनाते हैं। आप लोग ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया मोबाइल मनिया के दोनों वीडियो पे, तो एक और वीडियो आएगा उनका बहुत जल्द स्टॉक आने वाला है, तो उनका भी एक ब्लॉग बनाएंगे। नहीं सॉरी गाइस, वो हम गलत इन्फॉर्मेशन दे दिए थे, मोबाइल मनिया हम यहाँ से इन किए थे, यहाँ पर उसका लोकेशन दिए थे, यहाँ से अंदर मोबाइल मनिया गए थे। चलते हैं अभी तो यहाँ पे क्या बोलते हैं अनिशाबाद, अब यहाँ से चल रहे फुलवारी शरीफ, आपको भी सोचेगा आपको अनिशाबाद दिखा रहे थे, अनिशाबाद देख रहे हैं अनिशाबाद और इसके बाद से फुलवारी शरीफ अलीनगर कॉलोनी, जो जानते ही होंगे जो अनिशाबाद का होंगे वो जानते होंगे कि अनिशाबाद की तरफ अलीनगर कॉलोनी बहुत बड़ा कॉलोनी है, अलीनगर जो अनिशाबाद की तरफ के हैं उनको पता होगा। तो खैर अनिशाबाद इस तरह है, अब चलते हैं फुलवारी शरीफ, अनिशाबाद तो ठीक था लेकिन आ चुका है फुलवारी शरीफ, ठीक है। फुलवारी शरीफ में थोड़ा बहुत जाम है, थोड़ा बहुत नहीं कुछ ज़्यादा ही जाम है, अब बस इधर जितना टाइम लग जाए, अब पता नहीं इधर का टाइम कितना लगेगा, पर भी अब देखते हैं। तो धीरे धीरे चल रहा है, अब लग रहा है कि थोड़ा ख़त्म होगा, अभी खैर कैमरा थोड़ा लेट हो गया, ठीक है भाई, लग रहा है कि जब नहीं नहीं भाई अभी तो है, अभी है जाम है, अभी आपको भी दिखाते हैं और थोड़ा बहुत देखिए कितना। अब फुलवारी शरीफ में भी मतलब एक मार्केट है, अच्छा खासा मार्केट यार, ये भी कोई छोटा मार्केट नहीं है, बहुत बड़ा मार्केट है फुलवारी शरीफ, हम तो खैर इधर आते नहीं है, बहुत कम आते हैं, तो जाना हो गया तो आप सबको भी दिखा दे रहे हैं, ठीक है। जो इधर के होंगे तो खैर जानते होंगे, जो हमारे व्यूअर्स इधर का नहीं होंगे,
इधर कम आते होंगे तो आप भी देख लो भाई। अब देखो भाई, अब उस साइड थोड़ा बहुत जाम लगा है। देखो भाई कैसे छत पे लोग ऊपर बैठे आ रहे हैं। देखे भाई हमारे पीछे देख रहे हैं एम्स ओपीडी पटना, और बात करें तो पीछे बाइक की पार्किंग है और काफ़ी इधर बताया। खैर पटना में एम्स के बारे में नहीं जानता था हम, तो खैर जानते थे, आए नहीं थे, काफ़ी बड़ा है। विलन कभी जानता था कि पटना में एम्स है? कभी लन यार तुम जैसे इग्नोर कर रहे हैं, विलन हटाओ गाइस, उसको विलन को भगा दे रहे, नहीं लाएंगे ठीक है तो ऐसा कुछ एम्स है। हमारे पीछे बाइक का पार्किंग है और पीछे ओपीडी है, तो आपको दिखाते हैं सारा चीज़ भी, आप कैसा है क्या है सफाई के ऊपर। तो आप जो देख रहे हैं ना कैंपस में, तो अंदर का तो चलते हैं तो देखते हैं, लेकिन बाहर का जो है ना साफ सफाई है भाई, ऐसा नहीं है कचरा है जैसे आप सोचते होंगे कि नहीं भाई साफ सफाई है। अगर बताए सफाई की तो अभी खैर हॉस्पिटल में सफाई की जरूरत भी है, फिर देख रहे हैं कि कोरोना तीन आ रहा है, कोरोना का नाम नहीं लेंगे, उसका लेने पर होता क्या है ना कि वीडियो डिमोनेटाइज हो जाता है, वो लिमिटेड ऐड लगता है फिर, तो समझ रहे हैं ना, तो इसीलिए तो अभी इसका शूट करते हैं। अभी इसके बाद से 6 ब्लॉग आज के दिन में शूट करना है, तो सारे ब्लॉग शूट करके जो इसके बाद से बैक टू बैक आएगा। अभी तो खैर ये फर्स्ट ब्लॉग शूट कर रहा है, सुबह में आना हुआ था, एक दोस्त है यहाँ पे इसलिए आना पड़ा हमें, तो आए ना तो सोचे क्यों ना हम आपको भी दिखा दें। और यहाँ पर आइएगा तो वही एटलीस्ट पटना जंक्शन से यहाँ आने में 1 घंटा लग जाएगा, 1 घंटा हाँ जाम रह रहा है ना, तो 1 घंटा लग जाएगा, 1 घंटे से ज़्यादा लग जाएगा, पर 1 घंटे से कम नहीं लगेगा। आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो फिर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो है भाई, तो हो सके तो आप शेयर भी कीजिएगा ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक और तड़कते भड़कते कमाल की वीडियो में।